देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में 3 जुलाई 2023 को गायत्री शक्तिपीठ केशर बाग इंदौर में गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या व शैल दीदी के निर्देश पर गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर गायत्री परिवार के सूत्र संचालक पंडित श्री राम शर्मा का पूजन व नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ गुरु दीक्षा व संस्कार कार्यक्रम निःशुल्क सम्पन्न किए गए, जिसमें हजारों महिला पुरुषों व बच्चों ने भाग लिया। उक्त जानकारी देते हुए गायत्री परिवार ट्रस्ट के प्रमुख प्रबंधक श्री सजल तिवारी व उपजोन प्रभारी श्री जेपी यादव ने बताया कि बिना जाति पाति व लिंग भेद के हजारों महिला पुरुषों व बच्चों ने नौकुंडीय गायत्री यज्ञ में भाग लेकर गुरु दीक्षा ली। अनेकों महिलाओं का गर्भाधान यज्ञ संचालन करते हुए शांति कुंज हरिद्वार प्रतिनिधि श्री कृष्ण शर्मा देव पूजन व ब्रह्मा विष्णु महेश व गुरु का पूजन वैदिक मंत्रों के साथ कराया। अपने उद्बोधन में श्री कृष्ण शर्मा ने गायत्री परिवार के सूत्र संचालक गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी श्रीमती उषा तिवारी ने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों को विस्तार से बताते हुए कहा कि गुरु शिष्य का संबंध बहुत प्रगाढ़ रहता है। गुरु के ऋणों के बदले शिष्य गुरु के अनुशासन व संस्कारों को मानते हुए उसका प्रचार प्रसार शांतिपूर्वक करते हैं। श्री जेपी यादव व श्री ओम प्रकाश जाधव ने आगामी व वर्तमान गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। गर्भाधान मुंडन व विद्यारंभ संस्कार श्रीमती मंजूषा उपाध्याय व रचना कटरे ने संपन्न कराए। इन दिनों उत्तम व्यवस्था वाले दीर्घजीवी शिशुओं की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार करने बहने अपने परिवार वालों के साथ गायत्री शक्तिपीठ केशर बाग आ रही हैं। यहाँ रोजाना प्रातः 8 बजे गर्भाधान मुंडन विद्यारंभ व अन्य संस्कार कराए जाते हैं। गुरुपाद पूजन के एल चौरसिया, मुकेश यादव, बरखा दुबे, कमल पसारी, संध्या पाटीदार, ममता ठाकुर, सुचिता भार्गव, कीर्ति साहू, गुलाब राव, मनीष शुक्ला आदि ने किया। अगर एक अकेला कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी तो गुरुदेव की कृपा है। मैं गुरुदेव के इतने चमत्कार बता सकती हूँ कि भाई साहब ने तो बताया कि उनका हाँ लिटरेचर के ऊपर था, साहित्य के ऊपर प्रकाश डाला और कहा कि उनका विलक्षण साहित्य है, उसको आप जरूर पढ़ें। और मैंने पढ़ के ही आज इस स्थिति में पहुंची हूँ। मैं गुरुदेव का साहित्य पढ़ के ही मैं अपना 2 मिनट का समय 5 मिनट कर लूँगी आपसे कि मैं अपना कैसे मैं गायत्री से परिवार में आई। तो गुरुदेव उस समय उनका आंदोलन करता था, एक जगह 5 कुंडी यज्ञ था। उस यज्ञ से मैंने किताबें ली और किताबें पढ़ी और 5 साल तक गुरुदेव की किताबें पढ़ के और गुरुदेव का काम करना शुरू कर दिया। 5 कुंडी यज्ञ कराने लगा, धर्म दूसर में दर्जगढ़ अन्य गढ़ की स्थापना करने लगे, साहित्य बना के साहित्य बांटने लगे, इस तरह से काम। और उसके 5 साल तक मैंने किया और गुरुदेव को देखा भी नहीं था और मैं शांति को भी नहीं गई थी, मगर फिर उनका साहित्य पढ़ के और मैंने ये इतना बड़ा काम आंदोलन में सहयोग किया। तो गुरुदेव फिर कैसे आए, कैसे मिली मैं, तो ये गुरुदेव का चमत्कार है। और गुरुदेव अंतर्यामी थे ये पक्की बात है, इतने संस्करण इतने हैं, इतनी बाधाएं आती हैं मगर सब गुरुदेव पार करके चले जाते हैं। तो गुरुदेव क्या फिर गुरुदेव जब 80 में कनाडिया शक्तिपीठ का उद्घाटन करने आए थे तो ये आने वाले थे उज्जैन से, तो वहाँ कुंभ का मेला लगा था, तो कुंभ का मेला लगा था इसलिए वो भीड़ भाड़ से बहुत घबराते थे, भीड़ भाड़ नहीं पसंद करते थे ज्यादा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।